उसके लिए बच्चों वो कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज अ प्राइम नंबर। वट आर द प्राइम नंबर्स? वी नो, एवरीबडी नोज दैट वट आर द मीनिंग ऑफ द प्राइम नंबर्स। और हम इसको बिल्कुल 8th क्लास से बच्चे इसको सीख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो बिल्कुल प्राइम नंबर्स को हम लिखते हैं दैट 2, 3, 5, 7 and 11 and 13, दीज काइंड ऑफ प्राइम नंबर्स। इनकी बच्चों कंडीशंस क्या है कि प्राइम नंबर को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, यानी कि आप प्राइम नंबर को जो इनका डिविजिबल होता है बच्चों, तो वो अगर आप लिखना चाहते हो a डिवाइड बाई b और आप कहना चाहते हो चलो b की जगह p यूज करेंगे प्राइम नंबर के लिए, कंप्लीट नंबर थ्योरी में हम, तो आई विल ए विल से दैट p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, p इज प्राइम। तो अगर आप चाहते हो कि a कोई p को डिवाइड करे तो इट इज ओनली पॉसिबल या तो a क्या होगा बच्चों 1 होगा, या फिर वो ए क्या होगा, या फिर वो ए खुद प्राइम नंबर होगा, वही नंबर। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी नंबर किसी प्राइम नंबर को डिवाइड करे बच्चों। फाइन, प्राइम के बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। एंड द कंपोजिट नंबर आर व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर नोन एज the numbers which are divided by itself, divided by one, also divided by some other points. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, like 4, like 6, like 8, 9, 10, 12 and so on. इसको बच्चों composite number बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई C number है और मैं बोल रहा हूं कि C मेरे पास composite number है, तो that must be divided by वन, मस्ट बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड मस्ट बी डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर आल्सो, यानी कि उसके दो से ज्यादा डिवाइजर आपको मिल जाएंगे, विच हैविंग मोर देन टू डिवाइजर, क्योंकि दो डिवाइजर तो सबके होते ही हैं बच्चों, खुद और एक वन। तो अगर किसी के दो से ज्यादा डिवाइजर मिल जाए तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो एट द प्लेस ऑफ थर्ड वी विल टॉक अबाउट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सो को प्राइम नंबर बच्चों ऐसे नंबर होते हैं जिनका आपस में जीसीडी वन होता है। जीसीडी का टॉपिक अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है। द नंबर्स विच हैव रिलेटिवली को प्राइम भी बोलते हैं इसको, को प्राइम बोल सकते हैं या फिर हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं इसको। तो एक वर्ड मैं और लिख देता हूं यहां पे, रिलेटिवली प्राइम भी बोल देते हैं इसको। तो यानी कि बच्चों ऐसे नंबर जिनका आपस का जीसीडी वन रहता है, तो विच हैविंग जी सी डी इज ऑलवेज वन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 4 और 15, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 और 15 का जीसीडी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। या फिर मैंने लिखा 5 and 24, इनका जीसीडी कितना है बच्चों, दैट इज ऑल्सो 1। या मैंने लिखा 3 और 17, ये सारे आपस में को प्राइम नंबर है जिनका आपस में जीसीडी वन है, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं हो जिन दोनों में, दैट आर नोन एज जीसीडी, सॉरी को प्राइम नंबर। और आफ्टर को प्राइम नंबर वी हैव सम अदर काइंड ऑफ नंबर्स एंड विच आर नोन एज ट्विन प्राइम। बच्चों को प्राइम के बाद बात करते हैं ट्विन प्राइम की। तो एट द फोर्थ प्लेस आई विल टॉक अबाउट ट्विन प्राइम। तो एज वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी, तो हमें नंबर्स के बारे में और खास करके प्राइम्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं प्राइम्स के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ट्विन प्राइम्स बच्चों कौन से नंबर होते हैं? इसमें बच्चों एक पेयर होगा, ठीक है, और उसको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे अगर उनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। यानी कि अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, और उनका डिफरेंस कितना हो, विच हैविंग डिफरेंस इज 2, जिनका डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा बच्चों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने
दो नंबर ले लिए, एक मैंने ले लिया थ्री और फाइव, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। या फिर आप कोई और नंबर ले लीजिए बच्चों, फाइव और सेवन, दीज आर ट्विन प्राइम्स, इलेवन एंड थर्टीन, दीज आर ट्विन प्राइम्स। तो दीज आर द ट्विन प्राइम्स, प्राइम भी होने चाहिए और उनका डिफरेंस जो है ना वो आपस में टू रहना चाहिए, उनको हम ट्विन प्राइम्स बोल देते हैं। और एक होते हैं बच्चों परफेक्ट नंबर, इसे परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं? देखो परफेक्ट नंबर बच्चों उनको बोलते हैं, एक तो वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, पहली कंडीशन जो है परफेक्ट नंबर होने की वो है उनका नेचुरल नंबर होना। तो पहले एक लैंग्वेज लिख लेते हैं, एक नेचुरल नंबर बच्चों, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट। किसी नेचुरल नंबर को मैं परफेक्ट बोलने वाला हूं, सेट टू बी परफेक्ट इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर, इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर। अगर बच्चों को अपने ही फैक्टर के सम के इक्वल हो और अदर देन इट्सेल्फ, ठीक है, तो हम उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिक्स है बच्चों, अब आप देखिए सिक्स के फैक्टर क्या हैं, वन है, टू है और थ्री है, और इसी सिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो वन प्लस टू प्लस थ्री। तो देखो ये इसके फैक्टर हैं और ये अपने फैक्टर के एडिशन में भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए परफेक्ट नंबर है। और अगर मैं सेकेंड नंबर आपको एग्जाम्पल दू तो 28 है जैसे, तो 28 के फैक्टर देखिए कौन बनेगा, 1 बन सकता है, 2 हो सकता है बच्चों, 4 भी हो सकता है और 7 हो सकता है और अदर फैक्टर हो सकता है 14। वो 28 खुद नहीं होना चाहिए, ठीक है, खुद को छोड़ के। तो अब बच्चों इनको ऐड करके देखो, तो 1, दीज आर द फैक्टर एक्चुअली, ओके, तो 1 और प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस 14, ये ऐड करोगे तो वापस 28 ही बनेगा, ठीक है। और दीज आर द फैक्टर, वन इसका फैक्टर है, टू इसका फैक्टर है, फोर भी इसका फैक्टर है, सेवन भी इसका फैक्टर है, मैंने लिखा है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ये एक्चुअली इसके फैक्टर हैं, आप इनकी मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल टू मत सोचने लगे ना, दीज आर द फैक्टर। तो मैं यहाँ पे इम्प्लाइज लगा देता हूं। तो चलिए बच्चों ये तो फिलहाल नंबर की कहानी थी, अभी थ्योरम बाकी है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं आज की थ्योरम की। और थ्योरम है हमारे पास, एज मैंने कहा कि आज का हमारा लॉजिक है यूक्लिड्स थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम। तो फर्स्ट इज यूक्लिड्स थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है, यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम बच्चों। तो पहली थ्योरम आपको क्या कहती है, पहले उसकी स्टेटमेंट देखिए। यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम इज स्टेट दैट इफ P is a prime number, small p I'm taking, P is a prime number, okay, and P, और बच्चों जो P है आपका जो prime number है वो divide करता है दो number की multiplication को A into B को, P divides to AB, तो then either P will divides to A or P will divides to B. अगर ऐसा होता है, ठीक है, P is a prime number और P divide करता है A into B को, तो P या तो divide करेगा A को या फिर divide करेगा बच्चों P को, इन दोनों में से either this one और this one, दोनों में से एक चीज तो possible होगी ही होगी, ये हमें prove करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है, logic clear हो रहा है। तो let's start the theorem now, proof of this theorem. तो बात करते हैं इसके प्रूफ की बच्चों। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज गिवन है इतनी बात कि P डिवाइड करता है A इंटू B को, इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से द सेंस P विल डिवाइड्स टू A एंड B, A इंटू B को P डिवाइड करने वाला है। अगर बच्चों कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो ये बात हमें पता है, देन There exists an integer.
देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, तो कोई ना कोई एक ऐसा इंटीजर जरूर होगा, मैं मान लेता हूं डी, सच दैट कि ए इंटू बी की जो वैल्यू है बच्चों वो होगी किसके इक्वल टू, पी इंटू टू। ये डिविजिबिलिटी का रूल है बड़ा सिंपल सा, कि मान लो अगर टू डिवाइड करता है एट को तो फिर कोई ना कोई एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जब एट इक्वल टू टू इंटू फोर लिख सकते हो, है ना। अगर टू डिवाइड करता है एट को तो फिर एक फोर ऐसा होगा जब आप एट इक्वल टू टू इंटू फोर लिख सकते हो। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? इसको क्या करो, इसको मान लो कि ये इक्वेशन नंबर है हमारी वन, ठीक है। अब सुनो बात, अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो p है ना, या तो ये इसको डिवाइड करेगा या फिर ये इसको डिवाइड करेगा। हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल, लेट कर लेते हैं बच्चों के जो p है ना वो a को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट p डज नॉट डिवाइड टू ए, क्लियर है, यानी कि इसको डिवाइड नहीं करता, यानी कि P ऐसे डिवाइड है तो ऐसे कर दो, A डिवाइड नहीं करता। अब बच्चों अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो P फिर और A का जो GCD होगा वो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है वन ही होगा, जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर GCD तो वन होना होएगा ना, तो इन दोनों का GCD है बच्चों वन। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है पीछे, तो उसमें हमें ये बताया गया कि दो का अगर GCD कुछ दिया हो तो हम ये बात बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, कोई दो इंटीजर एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक हो सकता है एक m और एक हो सकता है n, और बच्चों सच दैट कंडीशन ये होगी कि p इंटू m और प्लस a इंटू n, p इंटू m और a इंटू n इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा वन। बात क्लियर हुई? ये पीछे वाली थ्योरम में भी हमने पढ़ा, लास्ट वाला लेक्चर को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये थ्योरम मैंने करवा चुका हूं। तो अगर दो नंबर का जीसीडी वन होता है तो आप उसको लिख सकते हो कोई एम और एन लेके, पी इंटू एम और ए इंटू एन हमेशा क्या होता है बच्चों वन होता है, क्लियर है यहां तक बात। अब क्या करना है सुनो, अब क्या करो, ये जो इक्वेशन बन गई ना, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। और अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाइंग बाय बी, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने ना बी की मल्टीप्लाई कर दी, किसको, इक्वेशन नंबर टू का। तो यहां से आपको इक्वेशन कैसे मिल गई, बी इंटू पी एम प्लस बी इंटू ए एन इज इक्वल टू बी। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है मुझे लगता है, क्लियर है, बी इंटू PM and B into AN is equal to B. Am I right here? अब चलिए बच्चों, अब देखो आप इक्वेशन ये लेके आए हो कि B into में PM plus B into में AN is equal to, आप लेके आ गए क्या, B। अब बच्चों आप ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आपने लिखा था कि ए बी इज इक्वल टू पी बी पी डी होता है, ए बी इज इक्वल टू पी डी, तो उसका मैं यूज करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। तो हियर आई विल से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या पता है, हमें यह बात पता है कि बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल टू है, वो है P और D के इक्वल टू। तो हम इसको यहां यूज करेंगे बच्चों, तो यू कैन ऑब्जर्व नाउ कि ये बन जाएगा P को कॉमन ले लिया मैंने और यहां बन गया बी एम प्लस, और AB या फिर BA क्या बन जाएगा, PD, तो ये बन जाएगा PDN इज इक्वल टू B। यहां तक क्लियर है बात? और यहां से बच्चों P को मैंने कॉमन ले लिया और ये बच गया BM प्लस DN इज इक्वल टू B। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। तो ऐसा करते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं, दैट पी इज इक्वल टू पी इंटू में बी एम प्लस डी एन। तो अब जरा इसी इक्वेशन को देखिए क्या शो हो रहा है बच्चों, जब आप ये लिखते हो
b इज इक्वल टू k इंटू ए, तो इसका मतलब क्या बन जाता है? इसका मतलब बन जाता है बच्चों कि ये जो वैल्यू है, जो a है, ये b को डिवाइड करेगा। यही बात है ना? तो फिर इससे भी तो यही मतलब बन जाएगा। यहां से आप b इज इक्वल टू ए के लिखा है तो इसका मतलब होता है a डिवाइड कर रहा है b को, एम आई राइट? तो फिर इससे क्या मतलब बन जाएगा? इससे मतलब बन जाएगा बच्चों कि ये जो b है ना आपका, दैट इंप्लाइज ये डिवाइड कर रहा है b को, एम आई राइट? ये ओके, तो इट मींस आपने कहा था सो दैट इफ हम क्या लेके चले थे, इफ ए डज नॉट डिवाइड टू बी, सॉरी पी, पी डज नॉट डिवाइड टू ए, हमने ये लेके चले थे, अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो देन पी बी को डिवाइड जरूर करेगा बच्चों, ठीक है? सो दैट दैट इंप्लाइज योर हैंस प्रूव, यू कैन से दैट कि इफ या तो बच्चों जो आपका पी नंबर है वो ए को डिवाइड करेगा या फिर वो पी नंबर आपका बी को जरूर डिवाइड करेगा, और ये बच्चों प्रूफ खत्म हुआ इसका। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं थ्योरम को, व्हाट द थिंग्स इज गिवन टू यू। देखो बच्चों थ्योरम के अंदर आपको ये दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका कोई प्राइम नंबर है पी और वो ए और बी की मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है तो पी या तो ए को डिवाइड करना चाहिए या फिर वो बी को डिवाइड करना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है पी ए और बी को डिवाइड करता है तो ए और बी इज इक्वल टू पी इंटू डी लिख सकते हैं, इसको यहां छोड़ दिया। फिर हमने कहा कि मान लेते हैं पी जो है ना ए को डिवाइड नहीं करता, अब अगर इसको डिवाइड नहीं करता तो अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि पी बी को डिवाइड करेगा। तो हमने कहा कि पी ए को डिवाइड नहीं करता तो फिर इन दोनों का जीसीडी कितना आएगा, वन आएगा। अब इन दोनों के जीसीडी के बाद हमें ये लॉजिक पता है कि अगर दो नंबर का जीसीडी वन आए तो पी एम ए एम इक्वल टू वन लिख सकते हैं, लिख दिया। दोनों पूरी इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया, इक्वेशन बन गई ये वाली। अब बच्चों ये जो ए और बी की वैल्यू थी ना, यहां से जो ए और बी बनने वाला है ये मैंने पी और डी वैल्यू रिप्लेस कर दी, बस इतना सा काम है हमारा। तो हमने बच्चों यहां पे रिप्लेस कर दी वैल्यू, यहां से पी कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा बी। तो बी इक्वल टू आपने ये वैल्यू लिख दी, बी इक्वल टू कोई मल्टीप्लीकेशन में लिख पा रहे हो तो इसका मतलब पी जो है ना बी को डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स अगर पी बच्चों ए को डिवाइड नहीं करता तो पी बी को जरूर डिवाइड करेगा। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड के पी या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर वो बी को जरूर डिवाइड करेगा, और ये आपकी थ्योरम का एंड हुआ, हैंस प्रूव्ड हुई। लॉजिक क्लियर? चलिए बच्चों अब है आपके पास थ्योरम नंबर सेकंड, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। तो अब है आपके पास यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम, सेकंडली है यूक्लिड्स थ्योरम नंबर सेकंड, ठीक है? और सेकंड थ्योरम इसको मैं बोल सकता हूं। इसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये कहता है कि द नंबर ऑफ प्राइम्स The numbers of prime are is infinite. The number of primes are is infinite. जो prime number होते हैं वो infinite होते हैं, ठीक है? ये theorem कहती है। तो वैसे भी हमें पता है कि यार prime numbers infinite ही होते हैं, finite तो नहीं होते, natural number infinite होते हैं, finite नहीं होते, है ना? तो अब हमें प्रूफ कैसे करें इसको, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं बच्चों, लेट द प्राइम नंबर आर फाइनाइट। हम मान के चलते हैं बच्चों कि प्राइम नंबर ना इनफाइनाइट नहीं है भैया, फाइनाइट है। हमें प्रूफ क्या करना है, इनफाइनाइट प्रूफ करना है आपको, और हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, थोड़ा अपोजिट मान लिया हमने। अब अगर बच्चों ये फाइनाइट है तो इट मींस प्राइम नंबर शुरू कहां से होते हैं, टू, फिर कौन आएगा, थ्री, फिर कौन आता है, फाइव, फिर कौन आता है, सेवन, फिर कौन आएगा, इलेवन, ऐसे करके चले जाएंगे, लास्ट पे खत्म होगा किसी नंबर पे, उसको नाम मैंने दे दिया पी, ठीक है? और हम बोलते हैं कि जो पी आपने लिखा है ना, ये पी, वेयर पी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम, इससे बड़ा कोई प्राइम नहीं होगा, क्योंकि आप फाइनाइट प्रूव कर रहे हो, आप कह रहे हो कि फाइनाइट है तो इट मींस कोई ना कोई तो लास्ट जरूर होगा ना, पी इज ग्रेटेस्ट प्राइम, इससे बड़ा और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, यहां पे आके खत्म हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं।
अब बच्चों एक बात मैं और मान के चलता हूं, लेट अल्फा, अल्फा मैंने मान लिया कि इन सभी प्राइम नंबर को ना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 11 सबकी मल्टीप्लाई कर दो पी तक, उसको मैंने अल्फा नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज ऑफ ऑल प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर है हमारे पास सबकी प्रोडक्ट कर दी मैंने, वो उसको नाम दे दिया मैंने अल्फा, ठीक है। अब बच्चों ना एक अपनी तरफ से थोड़ा सा लॉजिक इस थ्योरम में हमें लगाना पड़ता है, और वो लॉजिक क्या है उसको देखिएगा। क्या करना है आपको, एक बी नंबर कंसीडर करना है आपको, ठीक है, कंसीडर अ नंबर बी, कर लिया मैंने कंसीडर, और वो बी नंबर कैसा होना चाहिए, वो नंबर होगा डिफाइंड बाय कुछ ऐसा बच्चों कि वो बी नंबर इज इक्वल टू हो सकता है 2 × 3 × 5 × 7 यानी कि जितने भी सारे प्राइम नंबर है उनकी मल्टीप्लीकेशन, और उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐसा नंबर मैंने मान लिया कि प्राइम नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन है उनके अंदर एक ऐड करने वाला बी मान लिया, उसको अपनी तरफ से माना है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो अब बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन को आपने क्या नाम दिया, अल्फा, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस वन, यहां का क्लियर है बात, b is equal to alpha plus 1। अब बच्चों b is equal to alpha plus 1 है तो इट मीन्स b जो है आपको भाई 1 से तो बड़ा ही होगा, getting point or not, अगर b आपका alpha plus 1 है, मैं alpha की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, alpha 2 हो सकता है मान लो, तो आप कह रहे हो कि b is equal to 2 plus 1 है तो b 3 है तो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो यू आर टेकिंग b is greater than 1। अब बच्चों एक बात से मैं लिख रहा हूं यहां पे, हमें ये बात पता है बच्चों, सिंस एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, और वो क्या हो, ग्रेटर देन वन, नेचुरल नंबर और वन से बड़ा हो, ठीक है, उसका भाई एक प्राइम फैक्टर तो जरूर होता ही होता है, नंबर वन ग्रेटर देन वन हैज अ प्राइम फैक्टर, ये बात तो हमें मेरे ख्याल में 8th class में सिखा दी गई थी, एज अ प्राइम फैक्टर, अगर कोई वन से बड़ा नंबर होगा तो उसका एक तो प्राइम फैक्टर जरूर होता ही होता है, और वो वन होता है भाई, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इस b का भी एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, तो दैट इंप्लाइज b मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर, b मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर, होगा नहीं होगा, अगर हर एक नंबर जो वन से बड़ा हो नेचुरल नंबर उसका प्राइम फैक्टर होता है तो b का भी होगा। अब b का प्राइम फैक्टर क्या होगा, कुछ भी मानना पड़ेगा, लेट कर लेता हूं मैं, लेट मैंने q इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर समझते हो ना, कोई भी नंबर मान लो आपने 6 लिखा तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 3, ये बनाए थे हमने, वो एलसीएम वगैरह लेते थे, याद कर लो थोड़ा सा 8th-9th class की बात है ना। तो फिर हमने कहा कि अगर b नंबर है 1 से बड़ा है तो उसका भी कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर होगा, और मान लिया q उसका प्राइम फैक्टर है। अब अगर भाई q इसका प्राइम फैक्टर है बच्चों तो q जो है ना वो b को जरूर डिवाइड करता हुआ, इस बात पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब सुनो बात, अब जो q, q क्या चीज है बच्चों, अब q भी तो एक प्राइम, ये प्राइम फैक्टर है, तो q मैंने इन्हीं स्पेसेस चूज किया तो q एक प्राइम नंबर ही तो है, इट मींस मैं बात बोल रहा हूं सिंस q इज अ प्राइम नंबर, q इज अ प्राइम नंबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और a इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, ठीक है, a नहीं सॉरी अल्फा, एंड अल्फा इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। यहां बात को समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं क्यों एक प्राइम नंबर है, और अल्फा जो हमने लिया था ना लास्ट पे में अल्फा लिया था सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये एक प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर क्यों एक प्राइम नंबर जो सबकी मल्टीप्लीकेशन उसको डिवाइड नहीं करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि अल्फा के अंदर तो सारे प्राइम नंबर हैं, और एक प्राइम नंबर अपनी सभी प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड तो जरूर करेगा। तो यहां बात देखो, क्यों डिवाइड कर रहा है बी को, क्यों डिवाइड कर रहा है ए को, तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से मैं ये बात बोल सकता हूं कि क्यों डिवाइड करेगा किसको, क्यू डिवाइड कर रहा है बी को, क्यू डिवाइड कर रहा है अल्फा को, तो क्या बच्चों क्यू डिवाइड करेगा बी माइनस अल्फा को,
आप कहोगे जरूर, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम थी बच्चों। तो क्यू डिवाइड करता है बी माइनस अल्फा को, यहां तक बात क्लियर है? अब बच्चों बी माइनस अल्फा किसके बराबर है? ठीक है, तो जरा वापिस चले जाइए थोड़ा सा इस इक्वेशन में। तो यू कैन ऑब्जर्व कि आपने लिखा था ये b इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन, b इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन। तो इट मीन्स अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता तो b माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन लिखते आप, b माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन, और इसको मैं यूज कर रहा हूं देखो बच्चों। तो हे आई कैन से दैट b माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन, तो आप लिख सकते हो q डिवाइड बाई वन, और यहां पे आप लिख सकते हो क्यों, क्योंकि b माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन है और ये हमने लास्ट इक्वेशन से लिख लिया। अब बच्चों q वन को डिवाइड कर रहा है, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई नंबर वन, कोई नंबर वन से बड़ा हो और वो वन को डिवाइड करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यू विल से इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। और जो हमने सोचा था वो हमने गलत सोचा था, सो दैट इंप्लाइज आवर प्राइम्स आर इनफाइनाइट, सो प्राइम मस्ट बी इनफाइनाइट। हमने सोचा क्या था, हमने मान के क्या चले थे, हम ये मान के चले थे कि प्राइम फाइनाइट होते हैं। तो थोड़ा से फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट बच्चों ये थी कि द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। हमने मान लिया कि नहीं भाई इनफाइनाइट नहीं है, ये तो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे तो फिर पी तक खत्म हो जाएंगे, पी सबसे बड़ा नंबर होगा, और फिर मैंने मान लिया कि अल्फा जो है ना वो इन सब की मल्टीप्लीकेशन होगी, और फिर मैंने एक नंबर लिया बी और उसको लिख दिया कि इनकी मल्टीप्लीकेशन प्लस वन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब अल्फा, तो बी इक्वल टू अल्फा प्लस वन लिख लिया। अगर बी इक्वल टू अल्फा प्लस वन है तो बी वन से तो बड़ा होगा, अब बी कोई वन से बड़ा है, और हमने ये बात एट्थ नाइन्थ क्लास में सीखी थी कि कोई नंबर अगर वन से बड़ा हो तो उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर होता है। तो हमने कहा कि बी अगर वन से बड़ा है तो बी का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर होगा, और उसको मैंने मान लिया क्यू। अब बी का कोई प्राइम फैक्टर होगा और उसका नाम है क्यू, तो क्यू बच्चों बी को जरूर डिवाइड करेगा, ये यहां पे क्यू बी को डिवाइड कर रहा है। अब क्यू एक प्राइम नंबर है और अल्फा क्या है, अल्फा सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो क्यू अल्फा को भी जरूर डिवाइड करेगा। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि क्यू डिवाइड करेगा बी माइनस अल्फा को, और बी माइनस अल्फा किसके बराबर है बच्चों, वन के बराबर है, तो क्यू डिवाइड कर रहा है वन को। अब कोई प्राइम नंबर वन को कैसे डिवाइड कर सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन जब होती है तो आप चले जाते हो लास्ट पे, जहां आपने कंसीडर, जहां आपने लेट किया था, तो लेट हमने क्या किया था, प्राइम नंबर आर फाइनाइट, तो ये हमारी जो सुपोजिशन थी ये गलत थी, तो प्राइम नंबर फाइनाइट नहीं हो सकते, प्राइम नंबर फिर इनफाइनाइट ही हो सकते हैं। तो दिस